हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, यहाँ मेरे बच्चे का चल रहा है हैप्पी डांस, और आप सबको टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो स्टफ़, वो चीज़ें जो जिया की बुई ने जिया के लिए भेजी है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं अनबॉक्सिंग। लो जी, सबसे पहली चीज़ जो निकली है वो है ढेर सारी चॉकलेट्स, और हम सब बहुत खुश हो गए थे। आप देख ही सकते हो, सबने हैप्पी डांस किया और मज़ा ही आ गया था। मतलब यार, चॉकलेट्स तो ना एक रिचुअल है हमारा, कि जब भी निकी दी बाहर से आते हैं या कोई भी आता है, भैया आते हैं, कोई भी आता है हमारा, तो वो चॉकलेट्स तो ज़रूर लेकर आते हैं। ये तो मतलब एक चीज़ है जो मैंडेटरी है हमारे बीच में। और जी, उसके बाद मैं यहाँ देख रही हूँ उन्होंने जिया के लिए कुछ भेजा है, और वो है बहुत क्यूट सी कैप्स जो SNM ब्रांड की है। यहाँ ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं है, बट इसके स्टफ इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं हाथ में ले रही थी और मुझे फील नहीं हो रहा था कि ये कैप्स हैं। यार विंटर में ना बच्चों को चाहिए कुछ अच्छा सा हो और कंफर्टेबल हो, तो मुझे ऐसी कैप्स बहुत पसंद है जो मतलब कपड़े टाइप में होती हैं। अच्छा जी, और निकला ये है बहुत प्यारा सा हेयर बैंड। और पीछे मैंने देखा ये सब बच्चे ना चॉकलेट्स खाने में लगे हुए, मैंने कहा यार मुझे भी दे दो चॉकलेट्स, मैं भी खाऊंगी। मैंने कहा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि यार क्या है ना, चॉकलेट सब खा रहे हैं तो रहा नहीं जाता। आप रिलेट कर ही पा रहे होंगे मुझसे। अच्छा जी, तो मैं वैसे बता दूं आपको कि मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो मेरी ननद के पास ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो जब वो वापस आए हैं वो अपने साथ ये सब सामान लेकर आए हैं जिया का, और यहाँ पर हम चॉकलेट खा के मस्त हो गए हैं। बट क्या करें, दोबारा दिखाना है मुझे आपको सब कुछ जो जो भी आया है। चलिए लेट्स गो, करते हैं शुरू। अच्छा जी, तो मैं ये दिखा चुकी हूँ आपको कि ये पहला बैंड था, और इसके साथ आया है दूसरा बैंड जो है ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था ये सामान, मतलब कि मज़ा ही आ गया था। और अच्छा जी, मैं ना गलत बैग उठा लाई थी, क्योंकि इसमें सिर्फ यही स्टफ था जो जिया की, अरे बाबा चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स, वाह, मतलब चॉकलेट्स दिखती है ना तो अलग ही मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, मैं क्या बता रही थी, हाँ जी, तो ये बैग ना गलत था, इसमें ज़्यादातर कपड़े पापा के थे। जो बैग था दूसरा था जिसमें जिया के कपड़े थे, बट इसमें चॉकलेट्स थी, तो हम रुक नहीं पा रहे थे, हम देखे जा रहे थे। और यहाँ पर जिया मुझे बोलने लगी कि मम्मा पहले मुझे यहाँ निकाल के दो। मैंने बोला कि बेटा आपने वो खाया है अभी मीठा, तो ये रहने दो। कहते नहीं मम्मा मुझे चाहिए। और मुझे होता है यार कि बच्चों का अगर मन कर रहा है ना किसी चीज़ का तो दे देनी चाहिए, क्यों वेट करवाना बच्चों को। तो यहाँ पर मैं ये करने लगी कि भाई चलो सबको दे देती हूँ, सब बच्चे बैठे हैं, ये दो मेरे नेफ्यूज़ हैं, आप पिछली वीडियोज़ में देख चुके हो। तो यहाँ पे मैंने इनको दिया, और रोशे फरारो तो यार किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद होती है। यहाँ पर हम सब ने लिया, और जिया को मैं बोलती हूँ कि अपने हाथ से सबको दो। और ये आदत ना बच्चों को होनी चाहिए शेयरिंग की, क्योंकि अगर वो सीखेंगे तभी बड़े होकर वो यूज़ टू होंगे इन हैबिट्स के। तो मैं ऑलवेज़ उससे ही शेयर करवाती हूँ चीज़ें, और उसने मेरे लिए भी निकाला, और मैं बोल रही हूँ कि नो बेबी मुझे चाहिए नहीं, बट फिर भी उसने मुझे दे दिया। अच्छा जी, और यहाँ मुझे किसी कर रही है कि भाई मैंने उसको चॉकलेट्स दी। क्या होता है ना, बच्चों को होता है कि भाई अगर बच्चों की बात मान ली जाए ना तो उनको बड़ा प्यार आता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, और ऐसी ही है जिया। अच्छा जी, एक चीज़ मेक श्योर करना, प्लीज़ अपने बच्चों से ही शेयर करवाना चीज़ें, और उनको हैबिट्स डलवाना कि भाई शेयर करनी होती हैं। बाकी थैंक यू सो मच निक्की दी ढेर सारी चॉकलेट्स के लिए। पर्सनली मैं बोल चुकी हूँ, बट ये थैंक यू बोलना बनता था। तो चलिए बाकी की स्टफ़ देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो ये रहा जी दूसरा बैग जिसकी मैं बात कर रही थी। जो पहले वाला बैग था उसमें मोस्टली पापा के कपड़े थे, और इसमें जिया के बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जिसमें से मैं पहली जो चीज़ है निकालने वाली हूँ वो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आई है, और वो है ये शू। जी हाँ, ये स्नीकर्स जो जिया के आए हैं, ऐसे मेरी ननंद के बेटे विवान के पास है, और उसने ही पसंद करके इनको जिया के लिए भेजा है, और स्पेशली मुझे बोला है कि मामी जैसे ही मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगा तो मैं जिया के साथ कुछ ट्यूनिंग करूँगा, जो भी बच्चों का आजकल चलता है एक जैसे कपड़े पहनने का। तो थैंक यू सो मच विवान, मुझे बहुत पसंद आया, इनफैक्ट सबको बहुत पसंद आया, इतनी प्यारी लग रही थी ना, छोटे छोटे शूज़ हैं ये, मतलब मज़ा ही आ गया था इनको देख के। तो यार होता ही है, बच्चों को गिफ्ट्स का होता है, और इससे ज़्यादा तो मुझे होता है कि भाई क्या क्या चीज़ें आई हैं। अच्छा जी, बाकी ये कपड़े आए हैं, और ये कपड़े हैं शीन के पैकेट में, बट ये सब शीन से नहीं आया है, ये वहाँ के लोकल स्टोर से निक्की दी ने लिया है। ये इतनी प्यारी लेगिंग थी जिया की जो मुझे बहुत पसंद आई, और इसके बाद जो ये टी शर्ट है ना, मतलब इसका स्टफ तो सब कपड़ों का ही बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। ये पीच कलर की थी, ये कैमरा ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा इनके कलर्स को लेकर,
तो जी ये तीन बैंड थे जिसमें से एक पिंक था, वाइट था और एक लाइट ग्रीन था, जो मुझे बहुत पसंद आए थे। तो क्या है ना, निकी दी को भी बहुत पसंद है ये सब चीज़ें शॉपिंग करना जिया के लिए, तो मेरे को टेंशन ही नहीं होती है, वो खुद से ही अपने आप पसंद करके चीज़ें देते हैं। और ये शर्ट आई थी चेकी, आप बहुत सारी वीडियोज़ में देख भी चुके हो, तो मतलब जिया के ऊपर ना इतने मतलब मज़ेदार लगते हैं ना ये कपड़े, क्या ही मैं बताऊँ आप लोगों को। अच्छा जी, ये पैंट मैंने इसके पेयरअप की थी जो शर्ट मैंने आपको दिखाई है उसके साथ। अच्छा जी, बीच में मेरी गुड़िया आई है मुझे बोलने कुछ कि मम्मा मैं अभी पहनूंगी ये कपड़े। मैंने बोला नो बेबी, थोड़ा टाइम बाद पहनाऊंगी, पहले मैं अपना ये व्लॉग बना लूँ, पहले मैं शूट कर लूँ सारी चीज़ें, उसके बाद आपको पहनाऊंगी। अच्छा जी, तो ये फ्रॉक आई है जो मुझे यहाँ तो कहीं किसी लोकल स्टोर पे भी नहीं देखने को मिली थी, मुझे बहुत पसंद आई है और आपने जिया की वीडियोस में देखा भी होगा उसको पहने हुए। तो इसका स्टफ इतना मतलब इतना अच्छा है, इतना मज़ेदार है कि क्या बताऊँ। ना ही ये चुभने वाली केन है इसके अंदर, ना ही ये नेट चुभने वाला है, तो बहुत अच्छा था। अच्छा जी, एक ये डंगरी आई है जो बहुत बड़ी है जिया को, तो हमने इसको रख दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। एज़ यूजुअल इंडियन ऐसा ही करते हैं, अगर कुछ बड़ा आ जाए तो उसको संभाल के रख लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, बच्चा बड़ा होगा तो डाल लेगा। बट जो इसके अंदर की ये टी शर्ट है और इसका बैंड है वो हमने यूज़ कर लिया, वो जिया को अभी परफेक्ट आता है तो वो हमने यूज़ कर लिया, बाकी इसको हमने रख दिया। यहाँ हमारा व्लॉग होता है एंड, सो थैंक यू सो मच।